अति माननीय बिशप इमानुएल केरकेट्टा जसपुर धर्म प्रांत, श्रद्धेय फादर मुक्ति प्रकाश मिंज विकर जनरल जसपुर धर्म प्रांत, श्रद्धेय फादर रंजीत तिग्गा येसु समाज मध्य प्रदेश येसु समाज प्रोविंस के प्रोविंशियल, श्रद्धेय फादर मरियानुस केरकेट्टा लोयला समुदाय के रेक्टर, सभी पुरोहितगण, धर्म बहने, धर्म बंधुगण, विश्वासी माता पिता, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, श्रद्धेय उपयाजक आलोक टोप्पो, दिलीप मिंज, निर्मल टोप्पो, प्रीतम प्रकाश पन्ना एवं अखिल साय अल्बर्ट बड़ा के पावन पुरोहिताभिषेक की धर्म विधि में सम्मिलित होने के लिए मैं लोयला परिवार की ओर से इस पावन बेला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की इस धर्म विधि के प्रारंभ में आइए हम उनका संक्षिप्त जीवन परिचय ध्यानपूर्वक सुने, ताकि हम उनके जीवन की सभी कृपाओं के लिए ईश्वर तथा उनके उपकारकों के लिए धन्यवाद का यह बलिदान अर्पित कर सकें। श्रद्धेय उपयाजक आलोक टोप्पो, आपका जन्म शांति भवन जसपुर पल्ली के बाकी टोली गांव में 14 अप्रैल 1988 को हुआ। आपके पिता का नाम स्वर्गीय श्री तरसीसियुस टोप्पो और माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती विक्टोरिया टोप्पो है। 6 भाई बहनों में आपका स्थान छठवां है। आपने अपनी प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल की पढ़ाई शांति भवन जसपुर से 2002 में पूरी की। आपने हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की पढ़ाई लोयला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुनकुरी से वर्ष 2006 में पूरी करने के पश्चात ईश्वर की बुलाहट को सुनकर मध्य प्रदेश येसु समाज में प्रवेश करने का निश्चय किया। उसके उपरांत आपका प्रशिक्षण प्री नोविशिएट विद्यालय मुंबई, नोविशिएट येसु भवन मानगो जमशेदपुर, जूनियरेट संत स्तानिसलास कॉलेज हजारीबाग, बीए इंग्लिश लिटरेचर लोयला कॉलेज चेन्नई, दर्शन शास्त्र डिनोबली कॉलेज पुणे तथा 2 वर्ष की रीजेंसी विद्य सदन भोपाल से पूरी करने के पश्चात ईश शास्त्र की पढ़ाई विद्या ज्योति दिल्ली से पूरी की। आपका उपयाजक अभिषेक 22 फरवरी 2020 को दिल्ली में संपन्न हुआ। उपयाजक के रूप में आप संत जोसेफ निवास केरा कछार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपयाजक दिलीप मिंज, आपका जन्म 15 जुलाई 1985 को पहाड़ टोली घुघरी में हुआ था। आपके पिता का नाम स्वर्गीय जोसेफ मिंज, माता का नाम श्रीमती रेजिना मिंज है। 3 भाई बहनों में आपका स्थान तीसरा है। प्राइमरी स्कूल कदम टोली घुघरी में, मिडिल स्कूल छठवीं मुस्कुटरी मिशन स्कूल, मिडिल स्कूल 7वीं से 8वीं तक की पढ़ाई जमदरा पल्ली में, हाई स्कूल 9वीं से 12वीं तक संत जेवियर्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर में। उसके पश्चात ईश्वर की बुलाहट को सुनकर ईश्वरीय जीवन जीने तथा ईश्वर का तन मन से अनुसरण करने के लिए येसु समाज में आपने प्रवेश करने का निश्चय किया। प्री नोविशिएट लोयला निवास भोपाल, द्वितीय वर्ष का प्री नोविशिएट मुंबई, नोविशिएट मानगो जमशेदपुर, जूनियरेट संत स्तानिसलास कॉलेज सीतागढ़ा, बीए लोयला कॉलेज कुनकुरी तथा 1 साल के लिए संत बर्कमंस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनवार पल्ली के स्कूल और छात्रावास में आपने रीजेंट के रूप में सेवा दी। दर्शन शास्त्र की पढ़ाई ज्ञानदीप पुणे, तत्पश्चात ख्रीस्त मिलन आश्रम नामना में आपने 1 वर्ष की सेवा दी। ईश शास्त्र की पढ़ाई आपने रांची और दिल्ली से पूरी की। आपका उपयाजक अभिषेक 22 फरवरी 2020 को हुआ। 21 मार्च 2020 से अभी तक आप संत जेवियर्स बोईरदादर रायगढ़ समुदाय में उपयाजक के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। उपयाजक निर्मल टोप्पो जसपुर धर्म प्रांत,
आपका जन्म घाघरा पल्ली के खुटापानी गांव में 12 जून 1989 को हुआ था। यह सौभाग्य की बात है, आज ही के दिन आपका जन्मदिन है। आपके साथ साथ आपकी जुड़वा बहन निर्मला भी जन्मदिन मनाती है। आपके पिता का नाम श्री थदेयुस टोप्पो और माता का नाम स्वर्गीय सोफिया टोप्पो है। चार भाई बहनों में आपका स्थान तीसरा है। आपने प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल घाघरा पल्ली से पूरी की, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की पढ़ाई प्रताप स्कूल घोलेंग से पूरी की। ईश्वरीय बुलाहट को सुनकर तथा उसकी तथा लोगों की सेवा करने के लिए आपने जशपुर कैथोलिक डायसिस में प्रवेश करने का निश्चय किया। आपका प्रशिक्षण माइनर सेमिनरी संत जेवियर माइनर सेमिनरी घोलेंग से, दर्शन शास्त्र संत अक्वेनस कॉलेज गोपालपुर से, प्रथम वर्ष की रीजेंसी प्रताप अपोस्तलिक स्कूल घोलेंग तथा द्वितीय वर्ष की रीजेंसी कैथोलिक आश्रम कांसाबेल में आपने पूरी की। ई शास्त्र की पढ़ाई संत जोसेफ रीजनल सेमिनरी अलाहाबाद से और वहीं पर आपका उपयाजक अभिषेक 23 अगस्त 2020 को संपन्न हुआ। उपयाजक के रूप में आप कैथोलिक आश्रम खरीबहार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्रद्धेय उपयाजक प्रीतम प्रकाश पन्ना, आपका जन्म दारू पिसापल्ली के तीतरमारा गांव में 23 फरवरी 1988 को हुआ। आपके पिता श्री मार्टिन पन्ना और माता कैथरीन पन्ना हैं। पांच भाई बहनों में आपका स्थान पांचवा है। आपने प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल की पढ़ाई दारू पिसापल्ले में पूरी की। आपने हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल 2006 में लोयला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अपोस्तलिक स्कूल में रहकर पूरा किया। तत्पश्चात ईश्वर की बुलाहट को सुनकर मध्य प्रदेश येसु समाज में प्रवेश करने का निश्चय किया। आपका प्रशिक्षण प्री नोविशिएट विद्यालय मुंबई से, नोविशिएट संत स्तानिस कॉलेज हजारीबाग, जूनियरेट XTTI पटना, इंग्लिश लिटरेचर से आपने BA की पढ़ाई संत जेवियर कॉलेज अहमदाबाद से 2013 में पूरी की, दर्शन शास्त्र डिनोबली कॉलेज पुणे से, रीजेंसी संत जेवियर अपोस्तलिक में करते समय ही आपने अंग्रेजी में MA तथा बेसिक स्काउट मास्टर की उपाधि हासिल की। ई शास्त्र की पढ़ाई विद्य ज्योति दिल्ली से पूरी करने के पश्चात 22 फरवरी 2020 को आपका उपयाजक अभिषेक दिल्ली में संपन्न हुआ। उपयाजक के रूप में संत जेवियर पल्ली अंबिकापुर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्रद्धेय उपयाजक अखिल साय अल्बर्ट बड़ा, आपका जन्म छिपनिया गांव पल्ली बनिया में 15 जुलाई 1987 को हुआ था। आपके पिता श्री मनोहर लकड़ा और माता श्रीमती मुल्की बड़ा हैं। आपके चार भाई बहन हैं। प्राथमिक शिक्षा पांचवी तक की पढ़ाई आपने वहीं के सरकारी स्कूल से पूरी की। माध्यमिक स्कूल कक्षा छठवीं से आठवीं की पढ़ाई भारत माता पूर्व माध्यमिक शाला बनिया से पूरी की। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सेंट जेवियर अंबिकापुर अपोस्तलिक स्कूल में रहकर पूरी की। प्री नोविशिएट विद्यालय मुंबई, नव शिष्यालय SSC सीतागढ़ा हजारीबाग, जूनियरेट की पढ़ाई XTTI पटना और कॉलेज की पढ़ाई सेंट जेवियर कॉलेज रांची से पूरी की। दर्शन शास्त्र की पढ़ाई के लिए आप सत्य निलायम चेन्नई में रहे। रीजन से आपने लोयला हायर सेकेंडरी स्कूल भाईसवार से पूरी की तथा ई शास्त्र की पढ़ाई तरुणोदय कांके तथा विद्या ज्योति दिल्ली से पूरी की। आपका उपयाजक अभिषेक 22 फरवरी 2020 को संपन्न हुआ। उपयाजक के रूप में आप संत इग्नासियस चर्च शांति भवन में कार्यरत रहे। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम सब मिलकर सभी उपयाजकों के जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि वे एक पुरोहित के रूप में अपने जीवन को ईश्वर तथा लोगों की सेवा में समर्पित कर सकें। मैं पुनः पावन पुरोहित अभिषेक की धर्म विधि में सम्मिलित होने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
चरवाहे प्रदान करूंगा जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। अति सम्मानित फादर रंजीत तिंगा प्रोविंसल संघ प्रोविंस मध्य प्रदेश सदे फादर मुक्ति प्रकाश मीन्स बिकॉज़ जसपुर धाम प्रांत उपस्थित मेरे सभी प्यारे पुरोहित में सभी धाम बहने मेरे सम्मानी माता पिता भाई बहनों और मेरे प्रिय पुत्र पुत्रियों, आज हम यहाँ पर ईश्वर को धन्यवाद देने के उपस्थित हैं। कुछ समय के बाद में हमारे ही बेटे हमारे भाई
उपयाजक निर्मल टुप आलोक टुप अखिल सह अल्बर्ट बड़ा दिलीप मीन्स प्रीतम प्रकाश पन्ना को पुरोहित अभिषेक दिया जाएगा। इसके बाद में इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी कलीसिया का उगाह करने के लिए और लोगों को अपनी सेवा देने के लिए, लोगों को मुक्ति का संदेश देने के लिए। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, इसलिए आज हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से इस पावन यज्ञ के समय कि ईश्वर उनको प्रचुर मात्रा में अपनी कृपा प्रदान करें, जिससे कि जिस पुरोहिताय पद को वे स्वीकार करेंगे उस पुरोहिताय पद की जिम्मेदारी को बाखूबी निभाते हुए ईश्वर की प्रजा की अगुवाई कर सके, उनको मुक्ति का संदेश दे सके और उनको ईश्वर की ओर उन्मुख कर सके। इसलिए आज का दिन ये खास दिन है, हम सभी पुरोहितगण सभी धर्म और सभी माता पिता एक मन और एक चित्त होकर हमारे इन बेटों की प्रार्थना करेंगे, जिससे कि उनका पुरोहिता जीवन सफल हो और ईश्वर हमेशा उनका साथ देता रहे। बहुत बड़ा दिन है हमारे इन बेटों के लिए और इसलिए आज हम उनको सबको मिलकर तभी ईश्वर के लिए समर्पित करेंगे कि ईश्वर हमेशा उनके हृदय को अपनी कृपा से भर दे, जिससे कि वे जिस आशा से प्रभु ने ईश्वर ने चुना है उस आशा का वे उस आशा को पूरा कर सकें। आज के दिन में उपयाजक निर्मल टुप्पो की जुड़ी बहन सिस्टर निर्मला टुप्पो ये दोनों आज से प्रकाशित जन्म दिवस भी मनाते हैं, बहुत बड़ा ईश्वर के वरदान उनके जीवन के लिए। हम तो उनको इस पावन अपने समय प्रार्थना याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे ईश्वर उनको हर प्रकार कृपा दान से भर दे, जिससे कि ईश्वर के प्यार को हमेशा नजदीक से देखने और परखने का काम करते रहें। आइए इस धन्यवाद के बलिदान के चढ़ाने के पहले अपने आप को सिद्ध करेंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे, जिससे कि हम सबको एक छोटे परिवार के रूप में आज की इस पावन यज्ञ को हमारी इन पांचों उपयाजकों के लिए चढ़ा सकेंगे। धन्यवाद का बलिदान ईश्वर ग्राह्य हो, इसलिए हम छोटे मन से हृदय से आइए अपने पापों की याद करेंगे, अपने को शुद्ध करेंगे, जिससे कि हम सबको साथ में मिलकर उदार मन से शुद्ध मन से आज के इस पावन यज्ञ को इन्हीं हमारे पांच उपयाजकों को चढ़ा सके। हम कुछ क्षण रहें और प्रभु से पिता से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित कुमारी धन मरियम से सब स्वदूतों संतों राम लोगों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सरस्वतीमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू पुरोहितों की परिचर्या द्वारा अपनी प्रजा का संचालन करता है। अपनी कलीसिया के जिन उपयाजकों को तू आज पुरोहिता के पद के लिए चुन लेगा, उन्हें तेरी सेवा में विश्वास रहने का दृढ़ संकल्प प्रदान कर। ये अपनी परिचर्या तथा सदाचरण द्वारा ख्रीस्त में तेरी महिमा करते रहे। यह वृद्धि उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे था पुत्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुजित और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ ईसाई ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1-7। याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इसराइल जिसने तुम्हें गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं इसराइल का परम पावन उद्धारक हूं। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र देश दिया, तुम्हारे बदले में इतोपिया और सबा दे दिए। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैंने तुम्हें प्यार करता हूं, इसलिए मैंने तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूं, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूं। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने पूर्व से तुम्हारे वंशजों को लौटाऊंगा, मैं पश्चिम से तुम लोगों को एकत्र करूंगा, मैं उत्तर से कहूंगा उन्हें छोड़ दो और दक्षिण से उन्हें मत रोको। मेरे पुत्रों को दूर दूर से ला दो और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के कोने कोने से, उन सबों को जो मेरे कहलाते हैं, जिनकी सृष्टि मैंने अपनी महिमा के लिए की है, जिन्हें मैंने गढ़ा और बनाया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Thank you.
दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 पंच संख्याएं 1-6। प्रत्येक प्रधान याचक मनुष्यों में से चुना जाता है और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। इससे वह भेद और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भूले भटकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों से प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं अपनाता। प्रत्येक प्रधान याचक हारून की तरह ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। इसी प्रकार मसीह ने अपने को प्रधान याचक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वह कहता है, तुम मेलकिसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 15 पद संख्याएं 11-17 तक। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना, इसलिए चुना और नियुक्त किया
कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करेंगे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सबों को जय यीशु। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित समुदाय की ओर से, स्थानीय कलीसिया की ओर से और विश्वव्यापी कलीसिया की ओर से उपयाजक निर्मल टोप्पो, उपयाजक आलोक टोप्पो, उपयाजक खिलसाय अल्बर्ट बड़ा, उपयाजक दिलीप मींस, उपयाजक प्रीतम प्रकाश पन्ना के माता पिताओं को, उनके प्रियजनों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपने इन बेटों को और आज वे हमारे बीच में उनका तो पुनः कलीसिया के लिए समर्पित करते हैं, जिससे कि आज के बाद में वे पूर्णतः कलीसिया के लिए समर्पित होकर लोगों को अपनी सेवा दे सकेंगे। तो आज मैं हमारे इन बेटों को निमंत्रण देता हूँ आज के इन पाठों पर चिंतन करने के लिए। उन्हीं के द्वारा इन पाठों को चुना गया था और उन्होंने तो इन पाठों के जो खास सार बिंदु है, मूल बिंदु है, उनको उन्होंने इस रूप में रखा है। पहले पाठ के मूल बिंदु को उन्होंने रखा है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। दूसरा पाठ जो कि संत पौलुस के पत्र इब्रियों के नाम से लिखे सिलेक्ट गया, उसमें मूल वाक्य है ईश्वर ने मसीह को मेलकिसेदेक की तरह महायाजक उपाधि प्रदान किया है। और सुसमाचार जो लिया गया यूहन्ना के सुसमाचार से, उसमें का मूल वाक्य उन्होंने लिया है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है। तो अगर इन तीनों पाठों के मूल संदेश को हम साथ में देखना चाहेंगे तो मैं इस रूप में इसको कहूँगा उपयाजकों को संबोधित करते हुए कि आप सभी ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। चूँकि आप मूल्यवान उनकी दृष्टि में, इसलिए ईश्वर ने आप लोगों को चुना और कुछ समय के बाद में आप पांचों को वे तब ईश्वर मसीह के समान मेलकिसेदेक की तरह महायाजक की उपाधि प्रदान करेंगे। तो आप चुने गए हैं क्योंकि आप ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं, और चूँकि आप मूल्यवान हैं कुछ समय के बाद में ईश्वर आपको मसीह के समान ही मेलकिसेदेक की श्रेणी का महायाजक की उपाधि प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय बेटो, आज का दिन आपके लिए खास दिन है। कुछ समय के बाद में जिस दिन के लिए आपने तैयारी की थी वो आपके लिए संपन्न होगा, और इसको देखने के लिए, इसकी साक्षी देने के लिए हमारे कई भाई बहन, पुरोहित, अधर्म बहन उपस्थित हैं। खासकर आज मैं कहना चाहूँगा कि कुछ खास कारण आज हमारे बीच में हमारे कई प्रियजन नहीं हैं। जरूर आप को याद करते हैं आज के इस बड़े दिन में, लेकिन हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि आज हम विशेष रूप से आपके लिए प्रार्थना करेंगे, जिससे कि आपका जीवन जो कि ईश्वर को समर्पित किया जाएगा, हर प्रकार की चुनौतियों से गुजरेगा, ईश्वर आपको अपनी अगुवाई देते रहेंगे, अपनी सहायता प्रदान करते रहेंगे। मैं पहले पाठ के स्वरूप में लेना चाहूँगा, पहला पाठ जो कि ईसाई नबी के ग्रंथ से लिया गया है, उसमें ईश्वर आप पांचों को याद दिला रहे हैं पहले पाठ के माध्यम से। वे कहते हैं, मैंने तुम्हारी सृष्टि की है, मैंने तुमको गढ़ा है, अर्थात मैं तुम्हारे जीवन का स्वामी हूँ, मैं तुम्हारे जीवन का मालिक हूँ, और इसलिए चूंकि मैंने तुमको चुना है, तुमको गढ़ा है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ देता रहूँगा, इसलिए तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले पाठ में आपके पौरोहितिक जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आई हैं उनको इस प्रकार से रखा गया है, कहा गया है कि
आपको एक पुरोहित के रूप में जलधारा को पार करना पड़ेगा, एक पुरोहित के रूप में आपको समुद्र को पार करना पड़ेगा, एक पुरोहित के रूप में आपको आग के बीच में पार करना पड़ेगा। मतलब कि आपके पौरोहितिक जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां आएंगे। इन सभी चुनौतियों के समय मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और इसलिए मेरे प्रिय पुत्रों, आज याद कीजिएगा कि आपका हर दिन समान नहीं होगा, हर सप्ताह समान नहीं होगा, हर महीना समान नहीं होगा, और इसी प्रकार जितने भी साल आप एक पुरोहित के रूप में काम करेंगे, अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। और तब इन सभी परिस्थितियों में, जैसे पहले पाठ में ईश्वर इस्राएलियों को कहता है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, इसी प्रकार प्रभु ने जब आपको चुना है वे हमेशा आपका साथ देंगे। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु आपको बारंबार हिदायत देते रहेंगे। चूंकि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, चूंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी को हम भूल जाते समय के साथ में कि प्रभु ने मुझे चुना है, हर प्रकार की परिस्थिति में प्रभु मेरा साथ देता है, इस प्रकार का जो मनोभाव हमारा बनना चाहिए उसको हम बहुत बार भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु आज पहले पाठ के माध्यम से आपको बारंबार याद दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारा ढाल बनूंगा। इसलिए तुम जाओ और जिन जिन बातों को मैंने तुमको सिखाया है इतने सालों में, विश्वास की बातों की, इन सभी बातों को तुम दूसरों को सुनाओ, जिससे कि इसके द्वारा लोग तब मुक्ति प्राप्त कर सके और ईश्वर को जान सके। पुरोहित अभिषेक के रोहित बनने के बाद में आप पूरा जीवन एक धर्म प्राप्त करेंगे, धर्म प्राप्त में आप प्रोग्रेस में आपके साथ कई आपके अधिकारियों के द्वारा उस चीज को आपको समझने की आवश्यकता है। हम अपने लिए जीते हैं, लेकिन तब पूरा धर्म प्रांत हमारा है, पूरा प्रोविंस हमारा है। इसलिए जैसी आवश्यकता होगी आपके अधिकारी आपको भेजेंगे और तब आपको वहां जाकर आपके कार्य को संपन्न करना होगा, जिसके माध्यम से लोगों को मुक्ति का संदेश मिलेगा। इसी मनोभावना से आपको अपने पौरोहितिक जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरे पाठ में पुनः आपको याद दिला जा रहा है, वहां संत पौलुस इब्रानियों के नाम पत्र लिखते हुए कहते हैं कि पुरोहित मनुष्यों के बीच में से चुना जाता है। इसलिए आज अपने पृष्ठभूमि को याद करने के से बुलाया गया, आपका एक खास परिवार है जहां माता पिता के साथ आप बढ़े पले, आपके गांव वाले, आपके दोस्तगण मित्रगण जिनके साथ आपने पढ़ाई की, और आपका गांव, आप जानते हैं किस प्रकार का परिवेश आपका रहा होगा 30-31 साल पहले। इसलिए प्रभु आज आपको पुनः याद दिलाते हैं कि मैं आपको एक परिवार से चुन रहा हूं, मैं आपके एक गांव से चुन रहा हूं, और चूंकि आप मनुष्यों के बीच में से चुने जा रहे हैं, इसलिए आपको एक काम करना हो, आप चुने जा रहे हैं, लेकिन तब चुनाई जाने के बाद में आपको जिन लोगों के बीच में आप चुने जा रहे हैं उन्हीं लोगों की अगुवाई करनी हो। ईश्वर संबंधी बातों को लेकर आप मनुष्य के प्रतिनिधि बनेंगे, और आप देख लीजिएगा कि आप जब प्रतिनिधि के रूप में कहीं भेजे जा रहे हैं किसी पल्ली में, किसी स्कूल में, तो प्रतिनिधि का काम क्या होता है, प्रतिनिधि का काम क्या, तो उसको अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। आप अगर प्रतिनिधि के रूप में कहीं पर भेजे जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या होगी। प्रतिनिधि के लोग तभी मानेंगे जब उसका जीवन आदर्श है, प्रतिनिधि के लोग तभी स्वीकार करेंगे जब उसका जीवन प्रार्थना का जीवन है, प्रतिनिधि को तभी लोग स्वीकार करेंगे जब वह लोगों का आदर सम्मान करता है, उनकी आवश्यकता को पहचानता है। इसलिए हम पुरोहितों का जीवन एक प्रतिनिधि का जीवन है, ईश्वर की ओर से हम प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए हम सबकी
एक जिम्मेदारी बनती है कि जहां हम भेजे जाते हैं वहां हम एक प्रतिनिधि का काम बाखूबी और ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, ईश्वर ने हमें एक प्रकार से समझदारी दी है और इसको आपने 30 साल तक देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। इसलिए आज के दिन में अच्छी तरह समझ लीजिए कि आपको प्रभु एक प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं और प्रतिनिधि के रूप में चुनने के बाद में आपको जो पुरोहित का पद दिया जाएगा, ये पुरोहित का पद ईश्वर को और लोगों को जोड़ने का पद होगा। इसलिए दूसरे पाठ में कहा गया है कि आप बारंबार बलिदान चढ़ाएंगे अपने पापों की क्षमा के लिए, साथ में उन लोगों के पाप की क्षमा के लिए जो कि आपके अधीन में रहेंगे पल्ली में और कहीं संस्था में। बारंबार आप बलिदान चढ़ाकर तब लोगों को ईश्वर से जोड़ेंगे, लोगों को पवित्र करने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इसको हम भूल जाते, इसलिए हम रोज रोज क्या पूजा बलिदान चढ़ा सकेंगे। जब कभी हम पूजा बलिदान चढ़ाएंगे क्या हम भूल सकेंगे, इसके द्वारा मैं लोगों के पापों की क्षमा के लिए ईश्वर से निवेदन कर रहा हूँ, और इस प्रकार का मनोभाव हमको बनाए रखना होगा। तो मेरे प्रिय पुत्रों, आज कुछ समय के बाद में आपको पुरोहित का दर्जा दिया जाएगा और ये पुरोहित का दर्जा एक गरिमामय दर्जा होगा। इस पुरोहित पद की गरिमा को और महिमा को आपको आपके जीवन के अंतिम क्षण तक बनाए रखने की आवश्यकता। याद कीजिएगा, पुरोहित पद एक गरिमामय पद है, इसकी गरिमा को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी होगी और ये तभी संभव होगा जब ईश्वर से जुड़े रहेंगे, जब आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा। इसलिए आज आपको संकल्प करना होगा कि जिस पुरोहिताई के पद को आप स्वीकार करेंगे उस पुरोहिताई के पद की गरिमा को आप हमेशा बनाए रखेंगे। आप कभी ऐसा काम तुमने नहीं, और इसलिए क्योंकि मैंने तुमको चुना है एक ही मतलब से कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल हमेशा बना रहे। मेरे प्रिय पुत्रों, आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ कहीं आप एक पुरोहित के रूप में जाएंगे आपका एक काम होगा वहाँ के समुदाय में परिवर्तन लाना, आध्यात्मिक परिवर्तन लाना, सामाजिक परिवर्तन लाना और शैक्षणिक परिवर्तन लाना। इस चीज को याद कीजिएगा, जब तक आपके जीवन के द्वारा किसी के जीवन परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक आपके जीवन के द्वारा किसी समुदाय में परिवर्तन नहीं आएगा, तब समझ लीजिए कि हम में कुछ कमी है। इसलिए आज के जो सुसमाज में खास संदेश है, मैंने तुमको चुना है इसलिए कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। फल उत्पन्न करने का अर्थ कि हमको एक नई दिशा देनी समाज के लिए, उसका अर्थ होगा समुदाय के लिए नई दिशा देनी होगी, उसका अर्थ होगा कि जहां हम एक छोटे समुदाय में रहते हैं वहां के जीवन को हमको ऐसा आदर्श जीवन के रूप प्रस्तुत करना होगा जो कि वास्तव में लोगों के लिए नमूना प्रस्तुत करेगा। तो मेरे प्यारे बेटे बेटो, आज पुत्रों, अभी कुछ समय के बाद में आपके पुरोहिताय पद की जो धर्म विधि शुरू होगी और उसमें एक खास चीज को कहा गया प्रारंभिक धर्म विधि में, जिसको हम यहाँ पर समय कमी छोड़ते हैं, वहाँ एक वाक्य रखा गया है धर्म विधि में। वहाँ कहा गया है आप लोगों को संबोधित करते हुए, धर्माध्यक्षों की सहायता के लिए पुरोहितों को नियुक्त किया जाता है, वे पुरोहिताय द्वारा धर्माध्यक्ष से संयुक्त रहकर ईश्वर की प्रजा की धर्म सेवा करते हैं। एक वाक्य है, ईश्वर की प्रजा की धर्म सेवा करते हैं, धर्माध्यक्षों से मिलजुल कर धर्म संघ पुरोहितगण प्रोविंसर से मिलजुल कर वे ईश्वर द्वारा दिया गया काम को सिर्फ इसलिए करते हैं किसके द्वारा लोगों का मनोभाव बदले और लोग ईश्वर के ओर उन्मुख हों और वे मुक्ति कमा सके। तो कहा गया है कि ईश्वर की प्रजा की धर्म सेवा आप करेंगे, धर्म सेवा करेंगे, उस चीज को आप ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ धर्म सेवा करेंगे और लोगों की मुक्ति का काम को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ में
खास धर्म विधि है उसमें आप आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करेंगे। और यहाँ दो प्रकार की बातें होती है। आज हमारे बीच में हमारे एक धर्म प्रांतीय पुरोहित होगा निर्मल टोप्पो और बाकी चार हमारे होंगे एक प्रोविंस के लिए। यहाँ तो इस प्रकार से उनको आज्ञा पालन किया जाता है और उसमें उनको इस चीज को बताने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी मैं निर्मल से कहूँगा वह जसवंत धर्म प्रांत में काम करेगा तो मैं उनसे कहूँगा आज्ञा पालन की जब प्रतिज्ञा वे करेंगे तो क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारी श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। उसी प्रकार हमारे चार हमारे सुसंगी उपयाजक हैं, जब उनकी पारी आएगी मैं उनसे पूछूंगा क्या आप स्थानीय धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। तो इसको आपको नजदीक से देखने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कलीसिया की परिपाटी है और इस परिपाटी से आप बाहर जाएंगे तो आपका पौरोहित जीवन अधूरा होगा, क्योंकि इसी परिपाटी के द्वारा हम मानव मुक्ति को आगे बढ़ाते हैं। और जब इस परिपाटी को दरकिनार करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो आपका पौरोहित जीवन चौपट होगा और इसके बाद में आप जिस चीज के लिए पुरोहित बनते हैं जिस मतलब से उस मतलब पूरा नहीं होगा। इसलिए इस चीज को खास रूप से आज हम जोर देते हैं इस पुरोहित ये धर्म विधि के समय। और उसके बाद में आपको याद दिलाया जाएगा कि आपके आज के बाद में आप एक तीन रोल खेलेंगे। आप पहला रोल होगा आप शिक्षक के रूप में काम करेंगे, दूसरा रोल होगा आप एक पुरोहित के रूप में काम करेंगे और तीसरा रोल होगा आप एक चरवाहे के रूप में काम करेंगे। तो शिक्षक के रूप में कलीसिया बातों को आप लोगों को बताएंगे, पुरोहित के रूप में पवित्रीकरण का काम आप शुरू करेंगे, संस्कार के वितरण करेंगे, और चरवाहे के रूप में आपको जो झुंड सौंपा जाएगा उस झुंड को आपको समेट के रखना है। आपको ध्यान देना होगा कि जो झुंड आपके समर के अधीन किया जाता है उस झुंड से कोई आदमी छिटक तो नहीं जाता है। अगर छिटक रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है उसको अंदर ले आना कलीसिये के अंदर। चले आज के बाद में आपको ये तीन रोल खेलने होंगे, शिक्षक के रूप में, पुरोहित के रूप में और चरवाहे के रूप में। और इस काम को करने के लिए आपको हमेशा तब ईश्वर से जुड़े रहने की आवश्यकता होगी। ईश्वर से कैसे जुड़े रहेंगे? प्रार्थना के माध्यम से। और इसलिए मेरे प्रिय पुत्र आज आपके लिए बड़ा दिन है और उसी के साथ में पुरोहित अभिषेक के साथ साथ में आपको भारी जिम्मेदारी दी जाएगी। इस जिम्मेदारी को आप निभाने के लिए आगे बढ़िए और पूरी कलीसिया आपका साथ देगी। और इसलिए मैं पुनः कहूँगा अंतिम में कि आप अपने पुरोहिताय पद की गरिमा और महिमा को बनाए रखिएगा, एक पुरोहित के समान जीवन जीजिएगा, जिससे कि लोग आपके जीवन के द्वारा ईश्वर की प्रशंसा कर सकेंगे और अपने मुक्ति की जो योजना है आपके माध्यम से उसको पूरा कर सकेंगे। हम सभी आज आपको आश्वस्त करते हैं, सभी पुरोहितगण, सभी धर्म बहन, सभी विश्वासी भाई बहन, कि आपका पौरोहितिक जीवन सफल हो, आपका पौरोहितिक जीवन ईश्वर के साथ हो। और हमेशा आप याद करेंगे जो वचन आपको दिया गया है, ईश्वर कहते हैं डरो नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो नहीं क्योंकि तुम मूल्यवान हो, मैंने तुमको चुना है, डरो नहीं क्योंकि मैं तुम्हारा साथ हमेशा देते रहूंगी। इसी आश्वासन के साथ आज प्रभु आपको अपने पुरोहिताय पद से नवाजेंगे और आपको मेलकीसेदेक के दर्जे का महापुरोहित नियुक्त किया जाएगा। तो हम सबकी शुभकामना आपके साथ, आप आगे बढ़िए और ईश्वर की कलीसिया को सशक्त करने के लिए अपने कमर कसिए। अभी पुरोहित अभिषेक की धर्म विधि शुरू होगी। सर्वप्रथम उपयाजकों का बुलावा और सौंपना, उसके पश्चात उनका जांच और आज्ञा पालन की धर्म विधि होगी।
पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार आगे बढ़े, उपयाजक निर्मल टोप्पो। प्रस्तुत हूं। उपयाजक आलोक टोप्पो। प्रस्तुत हूं। उपयाजक अखिल साय बाड़ा। प्रस्तुत हूं। उपयाजक दिलीप मिंज। प्रस्तुत हूं। उपयाजक प्रीतम प्रकाश पन्ना। प्रस्तुत हूं। अभी सभी उपयाजक वेदी की ओर बिशप स्वामी के को अपने आप को समर्पित करने के लिए आगे बढ़ें। कला है सोना बेटा, कला है रूपा बेटा, धर्म सीना लगेगा, आलर ही सेवा देगा। कला है सोना बेटा, कला है रूपा बेटा, धर्म सीना लगेगा, आलरी सेवा के काला। चिचका धरा मेसी चजका, खुशी दूरु निंगन सोपाला, दूलर ती निंगन सोपाला, धरा मेसी चिचका धरा खुशी तुरु निंगन सोपाला, दूलती निंगन सोपाला, आयांग मानन मरियम बांग मानन धर्म, दुखे सुखे निंगा मनोबीरे, उज्जो बीरी दराखे ओबीरे, आयांग मानन परियम पांग मानन धर्मेश, दुखे सुखे निंगा मनो बीरे, उज्जो बीरी दरा के ओ बीरे। महामान्यवर पिता, पवित्र माता कलिसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे भाई उपयाजक निर्मल टोप्पो को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। आप जानते हैं कि योग है। ख्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूं कि ये योग्य पाए गए हैं। और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के नाम पर मैं अपने इस बेटे को पुरोहित करके चुनता हूं। सभी कोई बोलेंगे ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। महामान्यवर पिता, पवित्र माता कलिसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इन भाइयों उपयाजक आलोक टोप्पो,
उपयाजक अखिल साय बाड़ा, उपयाजक दिलीप मिंज, उपयाजक प्रीतम प्रकाश पन्ना को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग है? ख्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूं कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर अपने मुक्तिदाता यीशु क्राइस्ट के नाम पर मैं अपने भाइयों को पवित्र करके चुनता हूं। ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र आप लोगों को पवित्र अभिषेक दिया जाएगा जिससे आप क्राइस्ट का त्रिविध कार्य कर सके जो मनुष्यों का शिक्षक पुरोहित और चरवाहा है। जो शिक्षा आप लोग सहज स्वीकार कर चुके हैं उसे सबको सिखलाइए। धर्म ग्रंथ का निरंतर मनन कीजिए और इसका ध्यान रखिए कि जो बात इसमें आप लोग पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिन पर विश्वास करते उन्हें दूसरों को सिखलाएं और जो शिक्षा आप लोग दूसरों को देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करें। अपनी शिक्षा द्वारा ईश्वर की प्रजा को विश्वास में दृढ़ बना लीजिए और अपने आचरण द्वारा विश्वासियों को सन्मार्ग पर ले चलिए जिससे आप लोग शिक्षा और उदाहरण द्वारा कलीसिया के आध्यात्मिक मंदिर का निर्माण कर सकें। शिक्षक के अतिरिक्त प्रभु यीशु पुरोहित भी हैं। उनकी पुरोहिता से संयुक्त रहकर आप लोग पवित्र मिशा में क्रूस का बलिदान आध्यात्मिक ढंग से विश्वासियों के लिए ईश्वर को चढ़ाएंगे। आप जो धर्म क्रिया करेंगे उसे पूर्ण रूप से समझ लीजिए और इसके अनुसार आचरण कीजिए। प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते हुए अपने शरीर के सब अवगुणों का दमन करके नवीन जीवन के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते रहिए। बपतिस्मा द्वारा लोगों को ईश्वर की प्रजा में सम्मिलित करना, पाप संस्कार संस्कार में ख्रीस्त तथा कलीसिया के नाम पर पाप क्षमा करना, विलेपन संस्कार द्वारा रोगियों को बल प्रदान करना, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करना, ना केवल कलीसिया के सदस्य के लिए किंतु समस्त संसार के लिए ईश्वर की स्तुति धन्यवाद और बलिदान और विनती चढ़ाना, यह सब करते हुए याद रखिए कि आप लोग मनुष्यों में से इसलिए चुने गए हैं कि मनुष्यों की ओर से ईश्वर की सेवा करें। इसलिए भ्रातृप्रेम से प्रेरित होकर बड़े आनंद से ख्रीस्त पुरोहित का कार्य संपन्न कीजिए और निस्वार्थ भाव से अपने सब कामों में यीशु ख्रीस्त की सेवा करते रहिए। प्रिय पुत्र अपने धर्माधीन से संयुक्त होकर और उनके अधीन रहकर आप लोगों को ख्रीस्त चरवाहे का कार्य भी करना है। सब विश्वासियों को एक ही परिवार के सूत्र में बांधने का प्रयत्न करते रहिए जिससे आप उन्हें ख्रीस्त के द्वारा पवित्र आत्मा में पिता ईश्वर के पास ले चलने में समर्थ हो जाएं। भले चरवाहे का उदाहरण निरंतर अपने सामने रखिए जो अपनी सेवा कराने नहीं दूसरों की सेवा करने आए थे और जिन्होंने अपने विषय में जकयु से कहा था जो खो गया तो उसी को खोजने और बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। प्रिय पुत्र पुरोहिताभिषेक के पहले आप लोगों को कार्यभार संभाल स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप लोग धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहिक रूप में पुरोहिताय के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग ईश्वर की स्तुति और ख्रिस्ती जनता के पौत्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और धर्मनिष्ठा के साथ ख्रीस्त के रहस्यों का खासकर पवित्र मिश्र तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुसार करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवर के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित ख्रीस्त ने हमारे अपने एक निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था
कि आप लोग अंतरंग रूप से ख्रीस से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं। यह मेरा संकल्प है, ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। क्या आप स्थानीय धर्माध्यक्ष अपने तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या आप स्थानीय धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या आप स्थानीय धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या आप स्थानीय धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप लोगों में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करे। प्रिय भाई और बहनों, हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि अपने इन दासों पर अपने वरदान बरसाए जिन्हें उसने पुरोहिता के लिए चुन लिया है। अभी सभी उपयाजकगण लेट जाएंगे और हम सभी विश्वासी उनके लिए ईश्वर से और संतों से प्रार्थना करें कि सभी संरक्षक संत इनकी रक्षा करें। प्रभु दया कर, प्रभु प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। आप लोगों का जवाब होगा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मरियम ईश्वर की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मीखाएल, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत स्वर्ग दूतो, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत योहन बप्तिस्ता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत पेत्रुस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत पौलुस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अंद्रेयस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत याकूब, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत योहन, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत थॉमस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत याकूब, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत फिलिप,
हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत बर्थोलोमी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मत्ती हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत सीमोन हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत देयु हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मत्थियस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मरिया मगदलेना हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत स्तेफानुस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत इग्नासियुस अंतियोकेनुस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत लॉरेंस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत पेरपेतुआ और फेलिसितस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अग्नेश हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत ग्रेगोरियस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अगस्तीनुस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत बसिलियुस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मार्तीतीनुस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत बेनेडिक्टुस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत फ्रांसिस और डोमिनिकुस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत फ्रांसिस जवेरियुस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत योहन मरिया वियन्ने हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत कैथरीना सेलेंसिस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु की संत तेरेसा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ईश्वर के सब संतो हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आप लोगों का जवाब होगा प्रभु हमको बचा। प्रभु हमको बचा दया कर। प्रभु हमको बचा हर बुराई से। प्रभु हमको बचा हर पाप से। प्रभु हमको बचा अनंत मरण से। प्रभु हमको बचा अपने पवित्र शरीर धारण के द्वारा। प्रभु हमको बचा अपने मरण और पुनरुत्थान के द्वारा। प्रभु हमको बचा पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा। प्रभु हमको बचा। आप लोगों का जवाब होगा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। हम पापी हैं हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तू कृपया अपनी पवित्र कलीसिया पर शासन करे और उसे सुरक्षित रखे।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तू कृपया संत पापा और कलीसिया के सब अधिकारियों को उनकी पवित्र बुलाहट में सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तू कृपया इन चुने हुओं को आशीर्वाद दे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तू कृपया इन चुने हुओं को आशीर्वाद दे और पवित्र करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तू कृपया इन चुने हुओं को आशीर्वाद दे, पवित्र करे और अभिषेक प्रदान करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तू कृपया सब जातियों को शांति और सच्चा मेल मिलाप प्रदान करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तू कृपया सब पीड़ित लोगों को दया और प्रेम दिखा दे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तू कृपया हम लोगों को अपनी पवित्र सेवा में स्थिर और सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। हे यीशु जीवित ईश्वर के पुत्र, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। क्रिस्त हमारी सुन। क्रिस्त हमारी सुन। क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हमारे सुन। अपने इन दासों को पवित्र आत्मा के आशीष और पुरोहिता का सामर्थ्य प्रदान कर, जिन्हें हम तेरे दया दृष्टि पर भरोसा रखकर पुरोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपनी कृपा दान निरंतर बरसाने कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। अभी सभी उपयाजक खड़े हो जाते हैं। सभी पुरोहितों से निवेदन है, सबके सब खड़े हो जाएंगे और हमारे उपयाजकों की ओर अपने दाहिने हाथ बढ़ाकर उन्हें ईश्वरीय आशीष प्रदान कर। हे प्रभु परम पवन पिता, सशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमारी सहायता कर। तू मानव की प्रतिष्ठा का स्रोत और सब कृपादानों का प्रदाता है। तू सारी सृष्टि संभावता और विकसित करता है। तू अपने पुत्र ख्रीस्त के सेवकों को पुत्र आत्मा के सामर्थ्य से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर एक याजकीय प्रजा का निर्माण करता है। पुराने विधान में पूर्ण रीतियों के लिए अनेक परिचर्याएं उत्पन्न हुई, इस तरह तूने जनता के शासन और पवित्रीकरण के लिए मूसा और हारून को अगुवाई का दायित्व सौंपा और इसराइली समाज के सहायता दूसरी श्रेणी अर्थात लेवी के पुत्रों को चुन लिया। मरुभूमि में तूने 70 समझदार व्यक्तियों को मूसा की शक्ति प्रदान की, जिससे मूसा उनकी सहायता पाकर अधिक सुविधा से इसराइली जनता का शासन कर सके। तूने समस्त पुरोहिती अधिकार हारून के पुत्रों को प्रदान किया, इस अधिकार से वे याजकीय नियम के अनुसार मंदिर में तेरे योग बलिदान चढ़ाते थे, जो भावी कृपादानों को सूचित करते थे। हे पावन पिता, जब समय पूरा हो गया, तूने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि वह हम विश्वासियों और ईश्वर के बीच मध्यस्थ बने। उन्होंने पुत्र आत्मा के द्वारा तुझे निर्दोष बलि के रूप में अपने को समर्पित किया, और जिन प्रेरितों को उन्होंने सत्य में पूर्ण सिद्ध किया, उन्हें अपने मुक्ति कार्य के सहभागी बनाया।
इन प्रेरितों को तूने सहायकों को प्रदान किया जिन्होंने सारे जगत में तेरा सुसंदेश सुनाया तथा मुक्ति कार्य पूरा किया। हे प्रभु, हम तुझसे सविनय प्रार्थना करते हैं, हमें भी ऐसे सहयोगों को प्रदान कर, क्योंकि हम दुर्बल और निसहाय सेवकों को हमारे प्रेरित कार्य में इनकी नितांत आवश्यकता है। हे सशक्तिमान पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने इन दासों को पुरोहित का पद प्रदान कर, इनके हृदय में पवित्रता का आत्मा भर दे, तुझसे दैवीय श्रेणी की पुरोहिता का कार्यभार ग्रहण कर, या अपने सदाचरण द्वारा दूसरों को नैतिक उन्नति के मार्ग पर ले चले। यह हमारी पुरोहिता के ईमानदार सहयोगी बन जाए, जिससे इनकी पुरोहिता इनकी प्रेरिता है तथा पवित्र आत्मा कृपा द्वारा मनुष्यों के हृदयों में सुसमाचार फूले फले और पृथ्वी के सीमांत तक फैल जाए। यह हमारे साथ तेरे संस्कारों के विश्वास प्रदाता बने, इस तरह तेरी प्रजा नवजन के बपतिस्मा द्वारा पुनर्जीत हो जाए, यूखरिस्ट के बलिदान से पोषित होती रहे, पापों की क्षमा प्राप्त करे और रोगावस्था में सांत्वना पावे। हे दया में प्रभु, ये नए पुरोहित हमारे साथ अपने रेवड़ और सारी दुनिया की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहें। इस तरह सब राष्ट्र ख्रीस्त के प्रेम में एकत्र होकर तेरी एकमात्र प्रजा बन जाएंगे और स्वराज में अपनी सिद्धि तक पहुंच जाएंगे। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र श्री ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे साथ तथा पुत्र आत्मा की एकता में युगानुग जीते और राज करते हैं। आमीन। अब इस प्रार्थना के पश्चात उपयाजक पुरोहित बनने की योग्य हो गए, इसलिए यज्ञ परिधान पहनाया जाएगा, उसके बाद में हथेलियों पर लेपन और थाली का और प्याला हाथ में जिम्मेदारी के साथ सौंपा जाएगा। सभी उपयाजक ऊपर आ जाएंगे। जिन्हें पिता ईश्वर ने पुत्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिभावित किया है, वही प्रभु श्री ख्रीस्त आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप ख्रीस्तीय प्रजा को पवित्र कर सके और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सके। जिन्हें पिता ईश्वर ने पुत्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिभावित किया है, वही प्रभु श्री ख्रीस्त आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप ख्रीस्तीय प्रजा को पवित्र कर सकें और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सकें। जिन्हें पिता ईश्वर ने पुत्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिभावित किया है, वही प्रभु श्री ख्रीस्त आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप ख्रीस्तीय प्रजा को पवित्र कर सकें और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सकें। जिन्हें पिता ईश्वर ने पुत्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिभावित किया है, वही प्रभु श्री ख्रीस्त आपको सुरक्षित रखे,
जिससे आप ख्रिस्ती प्रजा को पवित्र कर सके और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सके। जिन्हें पिता ईश्वर ने पुत्र आत्मा से पुत्र आत्मा और सामर्थ्य से अभ्यंजित किया है, वही प्रवेश ख्रीस्त आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप ख्रीस्त प्रजा को बलिदान चढ़ा सके। श्रद्धेय फादर आलोक, पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा, जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं से समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रीस्त के क्रूस के समान रूप बना लीजिए। श्रद्धेय फादर निर्मल, पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा, जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रीस्त के क्रूस के समान रूप बना लीजिए। श्राद्ध पर अखिल सह अल्बर्ट, पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा, जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रीस्त के क्रूस के समान रूप बना लीजिए। श्रद्धेय फादर दिलीप, पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा, जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रीस्त के क्रूस के समान रूप बना लीजिए। श्रद्धेय फादर प्रीतम, पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा, जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रीस्त के क्रूस के समान रूप बना लीजिए। शांति चुमावन हो। Thank you.
लिंगा के नचकार यह है नलका अर्पण करूं तुझे ये जीवन उपहार, स्वीकारो मुझे हे मेरे प्रभु। अर्पण करूं तुझे तन
मन सारा जीवन अर्पित है तुझे, अर्पण करूं तुझे। ये जीवन उपहार स्वीकारो मुझे, हे मेरे प्रभु अर्पण करूं तुझे। ये जीवन उपहार स्वीकारो मुझे, हे मेरे प्रभु अर्पण करूं तुझे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह प्रदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। ईश्वर तू चाहता है कि तेरे पुरोहित पौत्र वेदी की परिचर्या और तेरी प्रजा की सेवा करते रहे। इस बलिदान के सामर्थ्य से तेरे सेवक अपने सेवकाय कार्यों द्वारा तुझे प्रसन्न करते रहे और तेरी कलीसिया को अविनाशी वस्तुओं से समृद्ध करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं, यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव उचित और न्याय संगत है। हमारा कतुथ कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इकलौते पुत्र का अभियांजित करके उन्हें नवीन रणंद व्यवस्था का महायाजक नियुक्त किया है और अपने अपूर्व त्याग से प्रेरित होकर तूने यह विधान रचा कि कलीसिया में एकमात्र उन्हें की पुरोहित बने रहे। ख्रिस्त न केवल अपने निजी प्रजा को राज के पुरोहित से विभूषित करते बल्कि भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर ऐसे व्यक्तों को भी चुनते हैं जो हस्तरोपण द्वारा उनके पवित्र परिचर्या के सहभागी बन जाते हैं। उन्हीं के नाम पर ये मानव मुक्ति के बलिदान चढ़ाएंगे ताकि तेरे पुत्र पुत्रों के लिए पास्का का भोज परोसा जा सके, तेरे पवित्र प्रजा का प्रेम पूर्व संचालन हो सके, तेरे वचन द्वारा का पोषण हो सके और संस्कारों द्वारा उसे सुदृढ़ बनाया जा सके। ये ख्रीस्त के सदृश अपने भाई बहनों के लिए मुक्ति की मुक्ति के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने से नाच गए और अपने विश्वास तक प्रेम का तल साक्षा दे। इसीलिए हे प्रभु सभी स्वदूतों संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं। पवित्र 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 तत्पर सवंग विधरा। पवित्र 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 तत्पर सवंग विधरा। इतलारा मेरे पानी गयो है मानती नींद की रवि, मेरे कानू नींद गे हे माँ। इतलारा मेरे पानी गयो है मानती नींद की रवि, मेरे कानू नींद गे हे माँ।
पवित्र 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 सत्कार सवंगितर में दिज भर दय बाबा सेना में दीने में आदर में मेरे कानूनी कगयो हे मां पर दाबा से नाम दीने में आदर में मेरे कानूनी कगे माँ पवित्र 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 दबकार सवंगरी धरा में पवित्र 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 दबकार सवंगरी धरा में यह उचित है कि तेरे समस्त सचित्र गुणगान करें क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा और आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा कत कहता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझ निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं हमारे उपहारों को परमात्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु श्री कृष्ण का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम ये करिष्ठ का या समारोह मना रहे हैं। जिस रात को ये मृत्यु क्ले सौंपे गए उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से पियो क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है नवीन आनंद व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे अर्थों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरे स्मृति पिया क्या करो प्रभु येसु क्रिस्ति महिमा हो प्रभु येसु क्रिस्ति महिमा हो यह हमारे विश्वास का रहस्य प्रभु येसु क्रिस्ति महिमा हो स्वरोहन के स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया के भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है।
तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है, ऐसा वर दे कि उनके पुत्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहास स्वरूप तुझे चढ़ाते हैं, और ईश्वर की माता परम धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरित प्रतापी शहीदों संत योसेफ, संत फ्रांसिस और सब संतों के साथ हम भी उनके स्वर्गीय आनंद का साबित बनाए, हमें इनकी सत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इमानुएल, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु कृष्ण द्वारा जिनसे संसार को सदृश ज्ञान प्राप्त होते हैं, प्रभु कृष्ण द्वारा हे सरस्वती मां के दायित्व पौत्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। इम्हाय मेरे भंता बंगायो ये मैं बिन्तिन मेना, मेरे कंता बंगायो ये मैं बिंदन मेना। निगहना में मनाने कन निगहना जी पर आने कान, निगहना में मनाने कन निगहना जी पर आने कान। निगह इच्छा मेरे कानो मानी अंद में के दिल को मनाने का,
माए मेरे भक्ता बंगायो ये मैं बिन में नाम मेरे भक्ता बंगायो ये मैं बिन में नाम ये मैं उजना मंडी जी आए मैं गुण हर अंबा जी ये मैं उजना मंडी जी आए मैं गुण हर अंबा जी सीता से जेचे मानंद में हो अपने अपन गुनाए माए मेरे बंदा बंगायो ये मैं बिन बिना ये माए मेरे कंता बंगायो ये मैं बिन दिन मेरा मरियम के कतरा जी अनाज गई पांडे मरियम के कतरा जी अनाज गई पांडे मन पैरी बचा के अनाए मैं बंगायो माए मेरे कंता बंगायो ये मैं बिन मेरा माए मेरे कंता बंगायो ये मैं बिन मेरा हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्व शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और वह दिन प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्ति दाता इस पृथ्वी पर प्रकट होकर हमारी धन आशा पूरी करेंगे क्योंकि तेरा राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ तू हमारे पापों पर अपनी कलीसिया का विश्वास और कृपा प्रभु से शांति प्रदान कर तू युगानु जीता और राज्य करता है शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ शांति अभिवादन कीजिए चलता पापन नीन छेड़दा दया धना से हे धर्म मिड़ो हे चलता पापन नीन छेड़दा हेमन दया धना से हे धर्म मिड़ो खेलता पापन नीन छेड़दा चैन ची आए मांगे देखे ईश्वर के मेमनों से देखे जो संसार के पाप लेते हैं धन्य हम सब जो प्रभु के भोजन बुलाए जाते हैं हे प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए किंतु एक शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी अभी परम प्रसाद का समय है सबों की सुविधा और भक्तिमय वातावरण बनाए रखने के लिए सभी नए पुरोहितगण जहाँ जहाँ से आए बैठे थे वहीं पर जाएंगे और अपने परिवार या रिश्तेदारों को परम प्रसाद का वितरण करेंगे इसलिए आप लोग इधर उधर मत जाइए और सभी पुरोहितगण वेदी से
परम प्रसाद ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। तुम्हें मैं नहीं कहूँगा, मित्र कहूँगा मेरे प्यारे, बन जाओ तुम दाक बारी में चंदा सितारे, बन जाओ तुम दाक बारी में चंदा सितारे। भर में ज्योति जला रोशन कर दे ज्योति से, दुनिया भर में ज्योति जला रोशन कर दे ज्योति से, बन जाओ तुम दाक बारी में चंदा सितारे, बन जाओ तुम दाग बारी में चंदा सितारे। मेरे लिए है तुम्हें जीना, मेरे लिए है तुम्हें मरना, मेरे लिए है तुम्हें जीना, मेरे लिए है तुम्हें मरना, बन जाओ तुम दाग बारी में चंदा सितारे, बन जाओ तुम दाग बारी में चंदा सितारे। दास तुम्हें मैं नहीं कहूँगा, मित्र कहूँगा मेरे प्यारे, बन जाओ तुम दाग बारी में चंदा सितारे, बन जाओ तुम दाग बारी में चंदा सितारे। तूने दे दिया है ये जीवन, धन्यवाद मैं कैसे अपने प्यार की पानी वर्षा कर दी तूने, अब तो न जाऊं मैं तुमसे। याद आए कब से तूने एक एक पल से संवारा मुझे, आ, 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 आ याद आए कब से तूने एक एक पल से संवारा मुझे, अपनी जान मेरी हर धड़कन में वो तेरा ही नाम, मुझको तूने दे दिया है ये जीवन, धन्यवाद मैं कैसे अपने प्यार कृपा की वर्षा कर दी तूने, अब दूर न जाऊं मैं तुमसे। ये
मुझको तूने दे दिया है ये जीवन, धन्यवाद मैं कैसे अपने प्यारों कृपा की वर्षा करती तूने, अब दूर न जाऊं मैं तुझसे। यीशु का प्यार मिला मुझे, मसीह का प्यार मिला, यीशु का प्यार मिला मुझे, मसीह का प्यार मिला, तेरे बिना मैं भूखा था, तूने मुझे यीशु भोजन दिया, भोजन दिया, यीशु का प्यार मिला मुझे, मसीह का प्यार मिला, यीशु का प्यार मिला मुझे, मसीह का प्यार मिला, तेरे बिना मैं प्यासा था, तूने मुझे यीशु पानी दिया, यीशु का प्यार मिला मुझे, मसीह का प्यार मिला, यीशु का प्यार मिला मुझे, मसीह का प्यार मिला, तेरे बिना मैं पापी था, तूने मुझे यीशु क्षमा किया, तेरे बिना मैं पापी था, तूने मुझे यीशु क्षमा किया, यीशु का प्यार मिला मुझे, मसीह का प्यार मिला, यीशु का प्यार मिला मुझे, मसीह का प्यार मिला। आज हम सभी को पावन पर्वत अभिषेक के धर्म समारोह क्रिस्तिया का आखिरी चरण में है। आज हमारे पास हमारे भाई और बेटे 5 उपयाजक थे, आज याजक यानी पुरोहित बन गए, और हम सबों को बड़ी खुशी और आनंद का समय और हमें महसूस हो रहा है। हमारे जसपुर धर्म प्रांत की एक अच्छी परंपरा और एक दस्तूर है कि जब कोई भी पुरोहित बन जाते हैं तो बिशप स्वामी उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं, तभी सर्टिफिकेट वितरण किया जाएगा। मैं स्वामी जी से आग्रह करता हूं कि इन सर्टिफिकेट को पुरोहितगण यानी श्रद्धेय फादर निर्मल टोप्पो, श्रद्धेय फादर आलोक टोप्पो, श्रद्धेय फादर अखिल सह अल्बर्ट बड़ा,
श्रद्धेय फादर दिलीप मिंज और श्रद्धेय फादर प्रीतम प्रकाश पन्ना को प्रदान करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं श्रद्धेय फादर निर्मल टोप्पो को आमंत्रित करता हूं। हम सब की ताली बजाएंगे तो अच्छा होगा। अभी श्रद्धेय फादर आलोक टोप्पो, श्रद्धेय फादर अखिल सह अल्बर्ट बड़ा, श्रद्धेय फादर दिलीप मिंज, श्रद्धेय फादर प्रीतम प्रकाश पन्ना। आइए हम सभी की बधाई देते और एक बार एक साथ तालियों की गड़गड़ाहट से उन्हें बधाई देंगे। धन्यवाद। अंतिम प्रार्थना के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस दिव्य बलिदान को हमने तुझे अर्पित करके ग्रहण किया है, वह तेरे पुरोहितों तथा तेरे सब सेवक सेविकाओं को नया जीवन प्रदान करे, ताकि हम सच्चे प्रेम से तुझसे संयुक्त होकर उदारता पूर्व तेरी सेवा करते रहें। यावर्ते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अभी सभी नव अभिषिक्त पुरोहितगण सर्वप्रथम बिशप स्वामी से आशीष ग्रहण करेंगे, तत्पश्चात सभी नव पुरोहित बिशप स्वामी को देंगे। ईश्वर अपने कलीसिया का संस्थापक और संचालक है। वह अपनी कृपा से आप लोगों को सदा सुरक्षित रखे, ताकि आप लोग अपने प्रेरित कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभा सकें। आमीन। ईश्वर करे कि आप लोग संसार में दिव्य प्रेम तथा सत्य के साक्षी और सेवक बनकर मेल मिलाप के विश्वस्त परिचारक बन जाएं। आमीन। ईश्वर आप लोगों को उदार चरवाहा बनने की कृपा दे, ताकि आप लोग जीवन दय रोटी तथा इस वचन से विश्वासियों को तृप्त करें और हम सब ख्रीस्त में संयुक्त होकर एक आध्यात्मिक शरीर बन जाएं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आत्मा के साथ। सशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पुत्रात्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।
अभी सभी नव अभिषिक्त पौरोहितगण बिशप स्वामी को प्रथम आशीष प्रदान करेंगे। प्रभु आपके साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ, शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। अभी नए पुरोहितगण हम विश्वासियों को भी सामने आकर के आशीष देंगे। तो आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग दीदार ले, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। हम लोग कुछ क्षण के लिए बैठ जाएंगे। सभी को जय यीशु। आज सचमुच में हम सभी के लिए, विशेषकर जसपुर डायसिस के लिए, मध्य प्रदेश प्रोविंस के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ 5 नौजवान नव अभिषिक्त पुरोहित के रूप में कलीसिया लोगों तथा लोगों की सेवा के लिए आज अभिषिक्त हुए हैं। सबसे पहले हम सभी को, हम सभी की ओर से बधाई कहते हैं, और इसलिए जोरदार हम लोग तालियां बजाएंगे। जय यीशु, बधाई। आज न सिर्फ हम सभी के लिए खुशी का दिन है, लेकिन उससे बढ़कर शायद हमारे इन 5 नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, और इसलिए मैं श्रद्धेय नव अभिषिक्त फादर अलोक टोप्पो से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी खुशी को हमारे सामने इजहार करें। श्रद्धेय बिशप स्वामी, विकर जनरल फादर मुक्ति, फादर रंजित प्रोविंशियल, फादर दिलीप पीसीएफ, फादर हेनरी सोसियस, फादर मरियानुस केरकेटा लोयला के रेक्टर, दूर दराज से आए सभी पुरोहितगण, धर्म बहने, धर्म बंधुगण और आदरणीय सभी मेहमान, सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 9 पृष्ठ पद संख्या 21 में लिखा है, मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनती हैं, किंतु प्रभु की योजना ही पूरी होती है। यह मेरा आदर्श वाक्य था जब मेरा अभिषेक 13 अप्रैल को होने वाला था, और आज मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया है, क्योंकि हम मनुष्यों के हृदय में अनेक योजनाएं बनती हैं, किंतु ईश्वर की योजना ही पूरी होती है। मैंने और मेरे साथियों ने भी बहुत सारी तैयारियां की थी, किंतु हमारी इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा ही पूरी हुई है। आज 12 जून 2021 उसी ईश्वर की योजना आज पूरी हुई है, और इसलिए मैं सबसे पहले उसी ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज हम 5 नौ अभिषिक पुरोहित जो कुछ भी हैं, यह ईश्वर की ही योजना रही है।
हम आज पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे लिए योजनाएं बनाई और हमें योग्य पाया, हर वक्त हर घड़ी हमारा साथ दिया और हमें संभाला है। आज हमारे पूरे परिवार और पल्ली के लिए भी हर्ष और उल्लास का अवसर है और हमारा हृदय कृतज्ञता से भर गया है। ईश्वर की इस योजना को पूर्णता तक लाने में बहुत सारे लोगों ने बहुमूल्य योगदान दिया है। हम तो कांच के टुकड़ों के समान थे और उसी ने आज हमें एक हीरा बना दिया है और आज हम कृतज्ञता से भरे हैं, लेकिन हम कैसे शुक्रिया अदा करें यह हमारे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसी ने हमें एक पुरोहित के रूप में जीना सिखाया है। आज मैं विशेष रूप से आज के मुख्य अनुष्ठाता श्रद्धेय बिशप स्वामी इमानुएल क्रिकेटा, जशपुर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष को सारे हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरी निष्ठा से आज के पुरोहिताभिषेक की धर्मविधि को संपन्न किया है। स्वामी जी, आपको हम पांचों की ओर से और सारे हृदय से धन्यवाद। मैं श्रद्धे फादर मुक्ति जशपुर धर्म प्रांत के विकर जनरल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज की धर्म विधि को अपनी उपस्थिति से प्रार्थनामय बनाया है। आज का पुरोहिताभिषेक सुचारू रूप से चले इसे सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कल हमें अभ्यास भी दिया। फादर, आपको सहृदय धन्यवाद। श्रद्धे फादर रंजीत तिग्गा, जो मध्य प्रदेश येसु समाज के प्रोविंशियल हैं, उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे प्रशिक्षण के अंतिम चरणों में पूरी जांच कर हमें योग्य पाया और सभी औपचारिकताओं को पूरा किया ताकि यह दिन सफल हो सके। फादर, आपको सहृदय धन्यवाद। साथ ही मैं फादर दिलीप सोरेन का भी धन्यवाद करता हूँ, जो सभी येसु समाजी धर्म बंधुओं के निर्देशक हैं, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। फादर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धे फादर मरियानुस क्रिकेटा, जो लोयोला समुदाय के रेक्टर हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्हीं की अगुवाई में आज का यह ऐतिहासिक दिन संपन्न हो सका है। फादर, आपकी उदारता और आपकी तत्परता के लिए आपको और पूरे लोयोला समुदाय को कोटिशह धन्यवाद। कुनकुरी विकास खंड के SDM और सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अनुमति दी और जिसकी बदौलत आज हम यहाँ एकत्र हो सके हैं, उन सभी को भी दिल से धन्यवाद। साथ ही फादर रवि और फादर सुशील ने इस कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगी, उनके अथक प्रयास और कड़ी मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं हमारे माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें यह जीवन दिया है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें हम दिल से याद करते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की बदौलत हैं। अपने प्रार्थना में जीवन द्वारा उन्होंने हमें विश्वास दिया है और वही विश्वास आज हमें यहाँ तक लेकर के आया है। साथ ही हम पूरे परिवार को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें बचपन से लेकर आज तक हर कदम पर संभाला और संवारा है। आप सभी को कोटि कोटि शह धन्यवाद। हमारे 14 साल के प्रशिक्षण के दौरान हमारे 4 प्रोविंशियल रहे और 4 PCF रहे और प्रशिक्षण काल में हमने अलग अलग जगहों पर प्रशिक्षण पाया है। वहाँ के सभी निर्देशकों को, प्रोफेसरों को, सभी स्पिरिचुअल डायरेक्टरों को आज मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ उपस्थित और अनुपस्थित सभी पुरोहितों, धर्म बंधुओं और सभी विश्वासियों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन द्वारा हमें प्रोत्साहित किया है और हमें आशीर्वाद दिया है। आपके दुलार, प्यार और प्रार्थना के लिए धन्यवाद। मिसा के प्रारंभ में जो परिचय पढ़ा गया और वेदी के पीछे में जो सुंदर और विशाल फ्लेक्स लगाया गया है, वह फादर सुशील की अगुवाई में हुआ है। फादर सुशील, आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज की धर्म विधि को सुचारू रूप से चलाने और उसकी बागडोर संभालने के लिए फादर संतोष, फादर दिलीप, स्कॉलास्टिक विनय और सभी स्कॉलास्टिक भाइयों को उनकी मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आज के पावन पुरोहिताभिषेक समारोह के लिए वेदी को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। आपकी रचनात्मक सजावट के लिए और कठिन परिश्रम के लिए सभी स्कॉलास्टिक भाइयों को विशेष धन्यवाद। और मेरे दाहिनी ओर यहाँ जो गायक मंडली है, यह हमारे जवान भाइयों की गायक मंडली है, जिन्होंने हम सभी को आज अपने गानों के द्वारा मंत्रमुग कर दिया और हमें थोड़ा भावुक भी कर दिया। आपकी शानदार तैयारी के बदौलत आज आपने बहुत अच्छे ढंग से गाया है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। इस सुंदर साज सज्जा के लिए मैं फादर आनंद, फादर तिलस्फोर और सभी स्कॉलास्टिक भाइयों को धन्यवाद देता हूं। आपने कड़ी मेहनत से इसे बहुत सुंदर ढंग से सजाया है। आप बधाई और सराहना के पात्र हैं। आप सभी को धन्यवाद। पुरोहिताभिषेक के प्रारंभ से ही साउंड सिस्टम की दुरुस्त व्यवस्था रही, इसके लिए फादर सिरिल और फादर सुशील को और सभी व्यवस्थापकों को बधाई एवं बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे कार्यक्रम के दौरान फोटो लिया गया है ताकि यह घटना हमेशा के लिए हमारे पास कैद होकर रहे और इसे हम हमेशा याद कर सकें। फोटोग्राफरों के पूरे दल को उनकी मेहनत और परिश्रम के लिए धन्यवाद। साथ ही येसु समाज की ओर से फादर अरविंद विनय और फादर हेरमन जो ने फोटो लिया है। फादर अरविंद ने मेरी बुलाहट पर एक बहुत ही सुंदर और अर्थपूर्ण वीडियो भी बनाया है। फादरगण, आपकी मेहनत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में जितने भी अतिथि आए हुए हैं, उनकी देखभाल और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी फादर ऑस्कर, फादर सत्य और सभी सहकर्मियों ने भली भांति उठाया है। आपने हमारे नए पुरोहितों के ठहरने की व्यवस्था भी सुनियोजित ढंग से सुनिश्चित किया। आप सभी को सुंदर व्यवस्था के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था भी अच्छी रही, जिससे हमारे मेहमानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना करना नहीं पड़ा। और इस अच्छी व्यवस्था के लिए मैं फादर रवि को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। अभिषेक से पहले हम सभी उपयाजकों को आध्यात्मिक रूप से तैयार करने के लिए फादर मिलियन ने हमारी सहायता की और एक दिन की आध्यात्मिक साधना का निर्देशन किया। फादर, आपकी उदारता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं हमारे भाई अरविंद और अलेक्स को भी सहृदय धन्यवाद देता हूँ और साथ ही सभी सहकर्मियों को जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी। आपने कार्यक्रम के हर विभाग में पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे भी काम किया है। आप सभी को दिल से धन्यवाद। अंत में सभी के लिए प्रीति भोज की व्यवस्था की गई है। इस पूरी व्यवस्था को अंजाम देने वाले फादर थियोडोर, फादर कॉर्नेलियस, फादर विलियम, फादर इग्नस और सभी सहकर्मियों को कोटिशह धन्यवाद। अंत में जरूर लेकिन हमारे हृदय के सबसे करीब रहे यहाँ उपस्थित और अनुपस्थित सभी विश्वासीगण, सभी रिश्तेदार, सभी सगे संबंधी, आपकी प्रार्थनाओं एवं दुआओं से हम और भी ज़्यादा आशीषित हुए हैं। आप सभी ने हमारे लिए प्रार्थना की और हमारे पुरोहिताई जीवन के लिए मंगल कामना की है। आप सभी को धन्यवाद। हमारी प्रार्थनाएं सदा आपके साथ रहेंगी। यदि मैंने किसी को याद नहीं किया है या मैंने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट नहीं की है तो मैं उनके प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। अंत में आप सभी को पुनः एक बार सब कुछ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी को जय सु। मैं सब चीज पूरा हो चुका है, बस एक चीज बोलने के लिए मैं उपस्थित हूँ। श्रीदी बिशप स्वामी जी, बिगल जनरल और प्रोविंशियल और उपस्थित सभी पुरोहितगण, सिस्टरगण और मेरे माता पिता और भाई और बहनों, मेरे लिए आज एक खुशी तो है लेकिन एक खुशी से और भी मेरे लिए डबल खुशी हो चुकी है। ओ, आज मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ। मैं अकेला नहीं लेकिन मेरे साथ
मेरी सिस्टर, जो हम लोग जुड़वा बोलें या ट्विन्स बोलें, तो हम लोग साथ में आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आज हम लोगों के लिए, आप सब कोई हम लोगों के लिए सुंदर तरीका से मिसा पूजा में भाग लेकर प्रार्थना किए हैं, उस सब के लिए हम परिवार की ओर से आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद। श्रद्धेय फादर आलोक और निर्मल को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं हमारे मध्य प्रदेश प्रोविंस के प्रोविंशियल फादर रंजीत तिग्गा को आमंत्रित करता हूं कि वे भी अपने खुशी और आभार हमारे सामने प्रकट करें। अभी अभी श्रद्धेय निर्मल टोप्पो ने कहा कि वो जन्मदिन मना रहे हैं और उनकी बहन भी जन्मदिन मना रही है, पता नहीं कहाँ खड़ी है, कहाँ बैठी है, खड़ी हो जाएंगे। तो हम जन्मदिन का गाना ही गा करके शुरू करें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू, मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू, मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी मुंह में पानी मत लाइए, बाद में केक काटा जाएगा। दोबारा हम लोग इस गाना को गाएंगे। अभी अभी श्रद्धेय फादर आलोक टोप्पो ने धन्यवाद ज्ञापन दिया, वो नव अभिषेक पुरोहितों की ओर से था। उन्होंने लगभग सभी को धन्यवाद दे दिया, इसलिए मेरा काम आसान हो गया। मैं सिर्फ तीन समूह को धन्यवाद देना चाहूंगा येसु समाज की ओर से, इसलिए मेरा जो धन्यवाद ज्ञापन है ये येसु समाज की ओर से। येसु समाज के मध्य प्रदेश प्रोविंस के सभी येसु समाजियों की ओर से, विशेषकर अति माननीय बिशप स्वामी इमानुएल केरकेट्टा को, हमारे चार येसु समाजियों को पुरोहित अभिषिक्त करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कोरोना महामारी के बीच में हमारी जरूरत देख करके इन भाइयों को अभिषेक करने का हमारा निवेदन स्वीकार किया है। इस महान कार्य के लिए हम सभी येसु समाजी एक साथ धन्यवाद देते हैं और बाकी यहाँ उपस्थित हैं आप सबों के भी मैं निमंत्रित करूंगा, हमारे साथ उन्हें धन्यवाद दीजिए। हम जोरदार तालियां बजाएं। और साथ साथ हम हमारे नए विकर जनरल, शायद ये पहला पुरोहित अभिषेक है जिसमें वो भाग ले रहे हैं विकर जनरल के रूप में, फादर मुक्ति प्रकाश, उनको भी उनकी उपस्थिति के लिए और मार्गदर्शन के लिए पूरे येसु समाज की ओर से धन्यवाद, तालियां। दूसरे नंबर पर मैं हमारे नौ अभिषेक पुरोहितों के माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदारों को धन्यवाद देता हूं। जैसे हम आदिवासी अपनी संस्कृति के अनुसार दाहिने से बाएं घूमते हैं, तो एक एक करके मैं नाम लूंगा, उनके परिवार के सदस्य थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, आपको हम देखना चाहते हैं और आपके लिए आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। श्रद्धेय फादर निर्मल टोप्पो, उनके परिवार से जितने भी आए हैं थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, हम उनको धन्यवाद देते हैं, बैठ जाइए। श्रद्धेय फादर आलोक टोप्पो के परिवार के सभी सदस्य खड़े हो जाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। श्रद्धेय फादर अखिल साय बड़ा के परिवार के सदस्य, धन्यवाद। श्रद्धेय फादर दिलीप मिंज के परिवार के सदस्य,
श्रद्धेय प्रादय प्रीतम प्रीतम प्रकाश पन्ना के परिवार के सदस्य हैं। प्रिय माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदार, आपने अपनी मर्जी और खुशी से इन बेटों और भाइयों को प्रभु की दागबारी में काम करने के लिए तथा ईश्वर एवं लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। आपके इस महान त्याग और आपकी उदारता के लिए हम आप सबों को धन्यवाद देते हैं। अंत में, चूंकि मैंने कहा कि तीन ही समूह को धन्यवाद दूंगा, हम सब नव अभिषिक्त पुरोहित भाइयों, श्रद्धेय फादर निर्मल टुप्पो, श्रद्धेय फादर आलोक टुप्पो, श्रद्धेय फादर अखिल साहेब बड़ा, श्रद्धेय फादर दिलीप मिंज और श्रद्धेय फादर प्रीतम प्रकाश पन्ना को प्रभु की दागबारी में कार्य करने के लिए स्वयं को समर्पित करने के लिए धन्यवाद देते हैं और पुरोहित अभिषिक्त होने के उपलक्ष्य में उन्हें हम हार्दिक बधाई देते हैं। तो हम लोग सबको एक साथ बोलेंगे, जय येसु फादरगण, हार्दिक बधाई और खुश खुश नया जीवन। जय येसु फादरगण, हार्दिक बधाई और खुश खुश नया जीवन। धन्यवाद। स्वामी जी थोड़ा जल्दी ही उठ रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय और समय मांगूंगा। धन्यवाद फादर प्रोविंशियल। अभी एक छोटा सा स्वागत प्रोग्राम है, इसलिए जितने भी नव अभिषिक्त हैं, बिशप स्वामी, फादर प्रोविंशियल और विकर जनरल, आप सभी यहाँ पर आमंत्रित हैं केक काटने के लिए। और जब केक हम लोगों का कट जाएगा तो उसी समय हम लोग स्वागत गाना भी गाएंगे। उसके पश्चात बर्थडे हम लोग जान रहे हैं, आज दो जन का बर्थडे है। बहन निर्मला को भी हम लोग यहाँ बुलाएंगे, आप इधर आइए ताकि हम लोग एक साथ बर्थडे भी मना सकें। सूरत मां पे आज यहां